यदि आपकी सीएस की डिग्री नहीं है और दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आपके पास सीएस की डिग्री है और किसी कारणवश आपके पास लॉन्ग करियर गैप, तो मैं शिवा गौतम, फाउंडर ऑफ शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, आपको पूरा का पूरा एक करियर पाथ बताना चाह रहा हूँ। यदि आपके पास ये दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन है और यदि आप आईटी में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके की स्किल्स आपको सीखनी होगी और आप किस तरीके से प्रिपरेशन करके, यदि आपका लॉन्ग गैप किसी कारणवश हो भी गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आईटी के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, ठीक है, जिनका जो गोल होता है वो कुछ अदर सेक्टर में भी होता है, जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, कुछ को गेट का एग्जाम क्रैक करना होता है, कुछ को कैट का एग्जाम क्रैक करना होता है, ठीक है, सबके अपने अलग अलग एम्बिशन होते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन कुछ कारणवश जैसे अब आप 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल से आप लगे हुए हो और आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब हमें वापस से अपने ट्रैक पे जाना है, अब वापस से हमें आईटी में जाना है, वापस से हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत समय हो गया और उनके पास तो कोई डिग्री भी नहीं होती, ठीक है, वो टेक से भी बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी वो टेक कंपनी में जाना चाहते हैं, फिर भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये दोनों के लिए फायदेमंद है, ठीक है, दोनों लोग इस वीडियो को सुन सकते हो कि किस तरीके से आप यदि नॉन टेक भी हैं और यदि टेक प्रोफाइल के अंदर आपके पास लॉन्ग गैप है और आईटी कंपनी के अंदर यदि आप रिटर्न या कम बैक होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी क्या चूज करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जनरली होता क्या है, यदि आपका कोई लॉन्ग गैप हो गया और आपके साथ जो कलीग है, मतलब आपका जो बैचमेट है, वो सीधी सी बात है वो किसी ना किसी कंपनी में होगा, वो जावा के कंपनी में होगा, आप उससे पूछोगे कि भाई क्या करना चाहिए, अब तो मैंने 6 साल 7 साल प्रिपरेशन कर लिया, अब तो मुझे कहीं पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वापस मैं आईटी में आना चाहता हूँ, तो वो बंदा आपको क्या सजेस्ट करेगा जिस टेक्नोलॉजी से वो बिलोंग करता है, वो बोलेगा जावा कर लो क्योंकि उसको जावा में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गया। तो मैं आपको यही क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी चूज करने से पहले आप स्टडी करिए, सोचिए, विचार करिए कि किस टेक्नोलॉजी में जाने से आपका फायदा होगा, ठीक है, कहाँ पर आपको एंट्री मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि जावा के अंदर, .NET के अंदर ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर जिनका लॉन्ग गैप है उनको एंट्री तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जावा और .NET में छोटी कंपनी काम करती ही नहीं, ठीक है, जावा और .NET में पूरी कंपनी आप लिस्ट निकाल लीजिए, सब मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है, बहुत कम कंपनी ऐसी मिलेगी जो छोटी कंपनी आपको मिलेगी। तो इसलिए जावा .NET के अंदर तो आपका यदि लॉन्ग करियर गैप है और यदि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी में जा सकते हो जहां पर अच्छे कैंडिडेट कंपनी को नहीं मिल रहे, ठीक है, जैसे कुछ नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आती है तो उसमें कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं, तो कैंडिडेट का जो मेनली रुझान रहता है वो ओल्डर टेक्नोलॉजी में ज्यादा रहता है, ठीक है। तो कुछ नई टेक्नोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्सफोर्स, ठीक है, सेल्सफोर्स अभी मार्केट में बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है और अभी आप सेल्सफोर्स का जो पर्टिकुलर आपका जो ग्रोथ है वो अदर टेक्नोलॉजी से 200 से 300% ज्यादा ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो यदि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं या आपका लॉन्ग करियर गैप है आईटी के अंदर, ठीक है, आईटी से बिलोंग करते हैं लेकिन आपका लॉन्ग करियर गैप है, तो ऐसे केस में आप सेल्सफोर्स सीख सकते हैं। सेल्सफोर्स में दो अलग अलग चीजें होती है, एक होता है सेल्सफोर्स का एडमिन और दूसरा होता है सेल्सफोर्स का डेवलपर, ठीक है, ये दोनों चीजें सीखने से आपको बहुत फायदा होगा और आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा और आपका जो गैप है वो भी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जिस कंपनी को सेल्सफोर्स डेवलपर की नीड है और यदि आप स्किल्ड हो तो वो सीधे आपका इंटरव्यू लेगा और आपको रख लेगा। तो इसमें आपका टेक बैकग्राउंड होना भी जरूरी नहीं है कि आपका बीटेक होना चाहिए, सीएसआईटी होना चाहिए, ईसी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी अप्लाई कर सकता है। यदि आप बीसीए कैंडिडेट हो या बीकॉम के हो या बीएससी नॉर्मल प्लेन के हो या बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, देखो 12वीं पास होकर के मत चले जाना, क्योंकि देखो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के अंदर का जो मिनिमम आपका क्राइटेरिया होता है वो ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। अब दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, पहला मैंने आपको बता दिया सेल्सफोर्स जो सबसे ज्यादा चल रहा है, दूसरे नंबर पे आता है क्वालिटी एश्योरेंस जिसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। यदि आप कोई भी नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक ग्रेजुएट हो, आपने बीए कर रखा है, ठीक है, आपने बीकॉम कर रखा है, आप बीएससी प्लेन से बिलोंग करते हैं, या कि आपने बीटेक तो कर रखा है लेकिन आपका 10 साल का करियर गैप हो चुका है, आपका 8 साल का करियर गैप हो चुका है, किसी कारणवश आप उस समय आईटी में एंटर नहीं कर पाए और अभी एकाएक आपको आईटी में एंटर करने का मन कर रहा है, फिर आप सोच रहे हो कि इतना ज्यादा करियर गैप हो गया कैसे एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो मैं तो पिछले 10 से 15 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री दोनों से जुड़ा हूँ, इसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनका बहुत लॉन्ग करियर गैप होता है लेकिन उनकी स्किल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो उन कैंडिडेट को हम प्रायोरिटी देते हैं, हर कॉर्पोरेट कंपनी प्रायोरिटी देती है यदि वो कारण जो बताता है, जो रीजन बताता है वो हमें सही लगता है। आप बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपको आईटी में जॉब नहीं मिलेगी, यदि आपके पास लॉन्ग करियर गैप है तो आप आईटी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ
वही टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं अपना विचार बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा यही चीजें हैं, हो सकता है कुछ का विचार अलग हो। ये जितना भी जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि पहले नंबर पे सेल्सफोर्स चल रहा है, सेकंड नंबर पे क्यूए चल रहा है। क्यूए में आपको मैनुअल टेस्टिंग करना होगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग करना होगा, और मैनुअल ऑटोमेशन के बेसिस पे आपकी जॉब लग जाएगी। ऑटोमेशन के लिए आप पाइथन चूज कर सकते हो, जावा चूज कर सकते हो, मतलब प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं सीखनी, ठीक है, प्रोग्रामिंग का बस बेसिक सीखनी है आपको। जैसे जावा का सिर्फ कोर कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि आपको कोई लॉजिक नहीं बनाना है आपको ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में सिर्फ आपका फॉर्म के अंदर डेटा को फिल करके चेक करना है कि फॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग करनी, रिग्रेशन मतलब बार बार आपको एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट को फिल करके चेक कराना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग यदि आपको आएगा तब भी चलेगा। तो सेकंड नंबर पे क्या है आपका, क्यूए प्रोफाइल है, ठीक है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो आपका प्रोफाइल चल रहा है वो है डेवऑप्स। अभी आपने डेवऑप्स सुना होगा, क्योंकि जितने भी बड़ी आईटी कंपनी है वो डेवऑप्स में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट निकाल रही है। और डेवऑप्स एक ऐसा प्रोफाइल होता है जिसमें ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती, इसमें आपको सिर्फ टूल सीखने होते हैं। क्योंकि डेवऑप्स के इंजीनियर का काम होता है कि जो कंपनी के अंदर जो डिप्लॉयमेंट होता है, मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी आपका एप्लीकेशन डेवलप कर रही है, अब उस एप्लीकेशन को क्लाइंट के मशीन पे क्या करना है, डिप्लॉय करना है। अब बार बार अपन क्या करते हैं, यदि ट्रेडिशनल अप्रोच हम फॉलो करते हैं तो हर बार हम अपने मशीन से पूरा डेटा कॉपी करेंगे, उसका पैकेज या बंडल बनाएंगे, उसको उठा करके सर्वर पे रखेंगे। ये काम हमें बार बार करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो आपका 8-10 घंटे या कभी कभी तो 1-1 वीक आपका खराब हो जाता है डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में डेवऑप्स इंजीनियर का काम दे दिया जाता है कि फर्स्ट डे से उसको पूरा पाइपलाइन बनाना है कि जो भी आपका डेवलपमेंट एनवायरमेंट है और जो आपका प्रोडक्शन एनवायरमेंट है, इनके बीच का आपको एक पूरा ब्रिज बनाना होगा, एक पूरा पाइपलाइन बनाना होगा। ये काम डेवऑप्स इंजीनियर का होता है और ये बहुत ही पॉपुलर जॉब प्रोफाइल है, इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो आप ये भी सीख सकते हो, इसमें आपको टूल सीखना होगा, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, गिट सीखना होगा, गिटहब सीखना होगा, जेनकिंस सीखना होगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा डॉकर सीखना होगा, AWS या कोई भी क्लाउड का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्लाउड थोड़ा सा आपको आनी चाहिए, ये सब चीजें आपको डेवऑप्स के अंदर सीखनी है। चौथी प्रोफाइल है आपका डेटा एनालिस्ट। आप डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट हर इंडस्ट्री में, चाहे वो IT इंडस्ट्री हो या नॉन टेक इंडस्ट्री हो, आपको किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री हो, सब जगह डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पावर BI हो गया, टेबलू हो गया, एक्सेल हो गया, SQL हो गया, ठीक है, इनका नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये आप सीख लीजिए। ये भी एक नॉन टेक के लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। और पांचवा प्रोफाइल ये है कि आप चाहते हो नहीं, मेरा कोडिंग स्किल बहुत अच्छा है और मैं कोडिंग करके ही अपना करियर में एंट्री करना चाहता हूं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं वेब डेवलपर से। और वेब डेवलपर में सबसे अच्छा चल रहा है आज के डेट में मानस्टैक, मतलब ये फुल स्टैक वेब डेवलपर है। इसमें आप मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड सीख लीजिए, ठीक है, पांचवी जॉब प्रोफाइल। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत खूब करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके अंदर आपको डेटाबेस भी सीखनी होगी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी सीखनी होगी। तो ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे भी आपके स्टूडेंट्स होंगे इसमें जिनका टेक में बहुत अच्छा कमांड था, पर उनका इंटरेस्ट जो है टेक से भी ज्यादा किसमें था, गवर्नमेंट में था, और वो 7-8 साल बिगाड़ चुके हैं और अभी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या उनको लगता है कि अब कुछ दूसरा जॉब ऑप्शन भी पकड़ना होगा, तो वो मानस टैक में भी आ सकते। ये पांच प्रोफाइल जो मैंने आपको बताया, इस प्रोफाइल के में से किसी भी एक प्रोफाइल को चूज करके आप अपना करियर वापस आईटी में अपग्रेड कर सकते हैं और आईटी में आप आ सकते हैं अच्छे पैकेज के साथ। क्योंकि ये जितने भी प्रोफाइल मैं बता रहा हूं, ये बहुत अच्छे पैकेज भी आपको दे सकते हैं यदि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली। थैंक यू।